देखिए, मैं अपने राज्य की बात करूं तो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता का धन्यवाद अदा करूंगा, जिसने 29 की 29 हमारी सीटें जीतने का जनता ने हमको आशीर्वाद भी दिया और यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे प्रदेश से एक साथ प्रेम लुटाया भाजपा के प्रति और वो उसका परिणाम निकला। और जैसा आपने कहा है, गठबंधन की सरकार, ये लोकतंत्र की हमारी विशेषता है। ये माननीय मोदी जी के लिए और गौरवान्वित करने वाला क्षण जो मोदी जी ने स्वयं ने अपने प्रारंभिक भाषण में भाजपा की दृष्टि से भी बात कही है कि उनके जीवन काल में उनने कितने अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले पहली बार विधायक सीधे मुख्यमंत्री, फिर दूसरी बार विधायक, फिर मुख्यमंत्री, फिर तीसरी बार विधायक, फिर मुख्यमंत्री और पूर्ण बहुमत के साथ। फिर जब मध्यप्रदेश देश में आए तो पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार, दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार, ये भी सब रिकॉर्ड थे। और अब की बार एनडीए की भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, ये तो सौभाग्य की बात है। और मोदी जी है तो मुमकिन है, यह वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, एनडीए मुमकिन है हम सबके बीच में। इसलिए निश्चित रूप से मैं शुभकामना देता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सारी चीजों को चलाने के लिए आप याद करिएगा। माननीय स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लें या नरसिम्हा राव जी की बात कर लें, मनमोहन सिंह जी की बात कर लें, ये अभी लगभग हमारा 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो माननीय मोदी जी ने 10 साल जोड़ा है। अदरवाइज पूर्ण बहुमत की सरकार तो लगभग 90 से ऐसी मिलती जुलती सरकार चलती आई और ऐसी सरकारें चल के सब दिखाई। नरसिम्हा राव जी ने सरकार चलाई है, बात की सरकार अटल जी ने चलाई है, माननीय मनमोहन सिंह जी ने चलाई है। आप अंदाज लगा लो कि ये जब पहली बार 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 145 सांसद थे कांग्रेस के, ये बाकी दलों से मिलकर चलाई थी। उसके बाद 2009 में जब सरकार चलाई तो 206 सांसद थे उनके, तो वो उनका हिसाब क्या है वो भी तो याद रख ले। और फिर हमने तो 245-40 से ऊपर जा रहा है। तो ये उनके जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 14, 19 और 24 तीनों को जोड़ लो तो 240 नहीं हो रहे कांग्रेस, तो ये वो उनका हिसाब रख ले ना, हमसे तो बोलेंगे। मेरा तो ये कहना है कि मैं उनके लिए क्या बोलूं, अभी हाल इसमें बोला उसका उत्तर मिल गया। जब से राहुल गांधी जी ने कदम बढ़ाए हैं तब से कांग्रेस हमेशा अपनी पता नहीं क्यों हसरतें पूरी नहीं कर पा रही, और फिर भी नेता बनाओ तो बनाओ।